Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 8 जुलाई 2024. ये रहा जी आपका फर्स्ट एडिटोरियल टैक्सिंग टारगेट्स. इस एडिटोरियल को शुरू करने से पहले सिर्फ दो बातें आपके साथ करनी है. नंबर वन, पिछले कुछ दिनों से जो है लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पाए थे डिफरेंट एडिटोरियल्स के, और उसकी रीज़न जो थी वो ये थी कि इस महीने के अंदर जो एक वीक है और वो थोड़ा शेड्यूल ऐसा हो चुका था. जैसे मैंने इससे पहले जो एक आपके साथ सुबह वीडियो शेयर की है तो बेसिकली उस प्रोजेक्ट की वजह से हम जो है ना मैं इसको टाइम नहीं दे पाया. दूसरी चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो है अपना इसके बारे में व्यू दे सकते हैं, अपना राय का इजहार कर सकते हैं कि हम लोग जब शुरू से काफ़ी, अब तो महीने तकरीबन साल होने वाला है जब से एडिटोरियल्स और ओपिनियंस का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम एक लेक्चर के अंदर सारे का सारा शेयर कर देते हैं, ठीक है. और इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने जो है डिफरेंट टाइम्स में कमेंट्स किए थे कि सर ऐसा करें कि इनको टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर दें. फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाला आपका जो एडिटोरियल है ये डील करेगा इकोनॉमी को, ठीक हो गया. यानी कि अगर तीन एडिटोरियल हैं तो मतलब कि तीन डिफरेंट टॉपिक्स हैं, चार ओपिनियन हैं तो इसका मतलब है चार मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं. कोई एजुकेशन पे होता है, कोई हेल्थ पे, कोई इकोनॉमी पे, कोई डेमोक्रेसी पे, कोई क्लाइमेट क्राइसिस पे, कोई ह्यूमन राइट्स पे, कोई वुमेन राइट्स पे. तो जस्ट लाइक दिस दे आर डिफरेंट टॉपिक्स, बट हम क्योंकि उसको बाय डे उसको कैटेगराइज करते हैं तो हम उसको एक ही लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस कर देते हैं सारे को. तो कंक्लूड करता हूँ जल्दी जल्दी कि स्टूडेंट्स जो हैं कुछ वो कमेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली जो पर्सनल नंबर है उसके ऊपर, ये जो पेन ग्रेविटी टीम का है वहाँ पर इस चीज़ का बारे में कह रहे हैं कि जैसे ही आप लोग शुरू करते हैं इसको तो काइंडली इसको टॉपिक वाइज कर दें. टॉपिक वाइज से मुराद क्या है, जैसे मैं अब ये वाला आपके साथ एडिटोरियल अगर डिस्कस करूँगा तो इसमें आपको इकोनॉमी में आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से इकोनॉमी वाली एक बना दी जाएगी जिसमें आप जब भी जाएंगे उसमें सारे के सारे जो टॉपिक्स होंगे वो इकोनॉमी के ही होंगे. इसी तरीके से अगर एजुकेशन के ऊपर कोई टॉपिक आता है तो उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर बना दी जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ही सारे टॉपिक्स होंगे. फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो है वो ऐसे जो है वो तैयार करने बैठा है एजुकेशन का और वो चाहता है कि मैं मुझे एजुकेशन के पॉइंट मिल जाए, तो वो क्या करेगा, उस सीरीज को सुनना शुरू कर देगा जो एजुकेशन वाली सीरीज होगी. तो उसमें से वो उसको सुनता जाएगा और अपने पॉइंट्स जो है वो निकालता जाएगा और उसके पास जो एजुकेशन का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो ये बच्चे जो है कमेंट्स कर रहे हैं, इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी इस लेक्चर के बाद जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है कि आया हम इसको टॉपिक वाइज कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. आपने जो भी टॉपिक डिस्कस करना है या जो भी आप समझते हैं कि मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है, आप वो टॉपिक्स प्ले लिस्ट में जाएं, उसको आप लोग सुनना शुरू कर दें, तो उसमें वो सारे के सारे उसी फील्ड के ही लेक्चर्स होंगे. तो ये काम कर दें या जिस तरह से पहले कर रहे हैं कि सबको डे बाय डे कंपाइल कर दें कि एक दिन के अंदर ही सारा का सारा डाल दिया जाए. तो इट्स डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स, हमने तो रिकॉर्ड करना है, शेयर करना है आपके साथ चीज़ों को. बाकी जिस तरह से आप लोग ज़्यादा फिजिबल हैं, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दें, अपनी राय का इजहार करें, फिर हम उसको देखते हैं और उसी पर्सपेक्टिव में हम इसको नेक्स्ट जो है डिस्कस फिर करेंगे. तो फिलहाल इसके अंदर मैं ये डिस्कस करूँगा और ये आपका टॉपिक होगा इकोनॉमी का. अच्छा जी, तो अब चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ कि इसके अंदर राइटर क्या कहता है. टैक्सिंग टारगेट्स, इसका मतलब क्या है. इस पूरे का पहले मैं आपको क्रक्स बता दूं दैट व्हाट इज इनसाइड ऑफ दिस होल एडिटोरियल. तो इसमें बेसिकली इकोनॉमी को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है. अब इकोनॉमी को किस डिमेंशन में डिस्कस किया जाएगा, देयर आर मल्टीपल डिमेंशंस ऑफ इकोनॉमी इन विच वी कैन डिस्कस इट. सो हियर हम क्या करेंगे, यहां पर क्या डिस्कस करेंगे, यहां पर जो राइटर है वो ये डिस्कस करता है कि FBR जो है ना, FBR जिसका काम है टैक्स कलेक्शन करना, उसके ऊपर काफी प्रेशर है. प्रेशर क्यों है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है टैक्स का वो बड़ा हाई है, गवर्नमेंट ने बड़ा हाई सेट कर दिया है, जिसकी वजह से FBR के ऊपर क्या है, काफी
प्रेशर है, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें लगा रहे हैं आपके जो FBR को रिफॉर्म करने की, ताकि वो FBR के अंदर जो करप्शन है उसको ख़त्म कर सके, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ में राइटर ये कहता है कि फॉर एग्जांपल FBR हर तरीके से सही काम करना शुरू कर देती है जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर चाहता है, देन वॉट अबाउट द प्रोटेक्टिव क्लास। जो प्रोटेक्टेड क्लास है मतलब जो आपकी रूलिंग एलीट है, जब उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा तो वो जो रिस्पॉन्स देगी तो क्या गवर्नमेंट वो रिस्पॉन्स संभाल सकेगी? और दूसरा जो सैलरीड क्लास के ऊपर आप बार बार जो है टैक्स लगाए जा रहे हैं इसकी बात की जाएगी। सो इन तीन चार एरियाज के अंदर जो है FBR को डिस्कस किया जाएगा और ये आपका इकोनॉमी के में डिस्कशन में आपका हेल्पफुल रहेगा। एंड फाइनली डिस्कशन के बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे कि पेपर में ये कहाँ आपके काम आ सकता है। ठीक हो गया, जो कि हमारा अल्टीमेट जो पर्पज़ है वो यही है कि पेपर में ये हमारे काम आ सके। तो बेटा आपने यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंदर जो मेन कंसर्न है आपका वो है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम है टैक्स की कलेक्शन करना। अब ये टैक्स किस तरह से कलेक्ट करेगा, क्या मामलात हैं, तो ये हम लोग चीज़ डिस्कस करेंगे। एंड आवर मेन कंसर्न इज FBR। ठीक हो गया, तो जी क्या होता है जी, टैक्स का जो टारगेट है वो बहुत हाई रख दिया गया है इस फिस्कल ईयर के अंदर, तो लिहाजा FBR के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। इसके साथ साथ तकरीबन 4.5 मिलियन सिटीजन जो हैं नए जो हैं वो टारगेट किए जाएंगे, जिनके बारे में डाटा इकट्ठा किया गया है कि इस बंदे के ऊपर FBR जो है उसको चेकआउट करेगा। तो ये रहा मेन जो बात थी इसके अंदर। ठीक है, अब आपको दो तीन और चीज़ें बताता हूँ कि FBR के साथ ये कर क्या रहे हैं, किस तरह से ये जो हाई इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो किस तरीके से पड़ रहा है, और कैसे ये टैक्स को टारगेट जो है किस तरह से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको बताता हूँ। तो इससे पहले FBR का हल्का सा व्यू देख लें। FBR बेटा क्या है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आपका आप समझ लें फेडरल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है पैसे इकट्ठे करना, टैक्स कलेक्शन करना। और ये जो है ये टैक्स कलेक्ट करता है, और उस टैक्स की जो ये कलेक्शन करेगा उसके बाद उसी टैक्स से गवर्नमेंट अपने सारे मामलात जो है वो चलाएगी। ये आप समझ लें जिस तरह आपकी फैमिली में आपका फादर होता है, अब्बू होता है, ये वो है। अब्बू क्या करते हैं, पैसे कमा कर लाते हैं और घर के सारे अफराद उन पैसों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी पाकिस्तान का कह लें इस पर्सपेक्टिव में रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक काम है, यानी कि ये क्या करता है, बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं उनसे पैसे लेता है, टैक्स इकट्ठा करके ये गवर्नमेंट को देता है, और गवर्नमेंट इस टैक्स के से क्या करती है, अपने सारे के सारे काम करती है, हेल्थ पे पैसा खर्च करती है, एजुकेशन पे पैसा खर्च करती है, डिफेंस पे मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं उनके ऊपर। तो इस तरह से आपका ये मुल्क चलता है। ठीक है, अब FBR अगर पैसे इकट्ठे करेगा, टैक्स अच्छे से कलेक्शन करेगा, तो फिर ही आप लोग आगे गवर्नमेंट को रन कर सकेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि FBR जो है इसके अंदर खुद करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये सही तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को लेकर आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अब सोच में पड़े हुए हैं कि अब क्या किया जाए, किस तरीके से इसको मैं बेहतर बनाऊं, क्योंकि वो यही सोच रहे हैं। उन जैसे मैं आपको बता रहा हूं, उनको भी पता है कि ये जो FBR है ये बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, और वो कहाँ से आएगी, वो आएगी जनाबी अली FBR के टैक्स से। और FBR जो है अगर टैक्स सही तरीके से इकट्ठा नहीं करता तो मतलब कि फिर पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर दोबारा से किसी दूसरे मुल्क से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसलिए FBR को अब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं FBR में कुछ चेंजेस कर दूं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके, टैक्स कलेक्शन कर सके। तो उसके लिए उन्होंने कुछ काम किए हैं, जैसे उन्होंने फर्स्ट नंबर पर ट्रांसफर कर दिए हैं FBR के, FBR डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि जो ऑफिसर्स हैं इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के और कस्टम ग्रुप्स के, इनको क्या कर रहे हैं वो इनके ऑफिसर्स के ट्रांसफर करने जा रहे हैं, और कुछ सीनियर पोस्ट के ऊपर भी ट्रांसफर करने जा रहे हैं, ताकि जो उनके हिसाब से ट्रांसफर क्या मतलब है, जिनको वो समझते हैं कि ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये होनेस्ट लोग हैं, ये मेरिट पे काम करने वाले लोग हैं, उनको वो लेकर आना चाह रहे हैं, जो उनकी सोच है।
ठीक है। अब ये यहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज एंड कस्टम ग्रुप्स, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये दोनों अलग-अलग से डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आपने पंजाब सीएसएस के लिए जा रहे हैं तो वहां पर ये 12 ग्रुप्स होते हैं जिनमें आपकी एलोकेशन होती है, ठीक है। और मैं आप ये दे सकते हैं, नंबर 4 पर है इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, एक ये है ठीक है, और पाकिस्तान कस्टम, ये अलग-अलग है ठीक है। लेकिन एफबीआर के अंदर ये काम करते हैं, ये भी पैसा कलेक्ट करते हैं। इनकी नेचर डिफरेंट है, काम डिफरेंट है, लेकिन असल काम इनका भी पैसा ही कलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको इस तरीके एफबीआर नजर नहीं आएगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। तो जनाबी अली, एक तो ये काम करने जा रहे हैं जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ट्रांसफर वगैरह कर रहे हैं ताकि काम सही हो जाए। दूसरा, वो डिजिटाइज करने जा रहे हैं, प्लान ये बना रहे हैं कि डिजिटलाइज किया जाए, पेपर वर्क को कम से कम किया जाए, कुछ एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स की जाए, इसको डिजिटलाइज कर दिया जाए ताकि करप्शन कम हो जाए। और इस करप्शन को कम करने के लिए उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी जो पाकिस्तान की दो हैं उनकी भी मदद ले ली है, ठीक है। यानी कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि मैं एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स करूं और ताकि जो करप्शन है उसको कम कर सकूं। अब करप्शन कैसे कम होगी, जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए, लेकिन उनको कैसे पकड़ा जाएगा, उसके लिए जो आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं इसके अंदर कोई भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर आईएसआई का जो है मोनो लगाया है, लेकिन उसके अंदर आपकी कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो सकती है, एमआई हो सकती है, और वो जो है आईबी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो उनकी उन्होंने हेल्प ली है ताकि वो इनकी हेल्प करें और वो लोग जो करप्शन करते हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उनको सजा दी जाए, ताकि ये जो है इसके अंदर जो है करप्शन जो है वो कम हो सके। तो लिहाजा यहां पर राइटर कहता है कि सारे के सारे बड़े पॉजिटिव साइंस। तो ये तो बातें हो गई जी, एफबीआर के साथ वो ये काम करने चाह रहे हैं ताकि एफबीआर के अंदर जो करप्शन है वो खत्म हो जाए, टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाए और आपकी इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की ग्रो हो सके। ठीक हो गया जी। अब इसके साथ और क्या क्या है, पर यहां पर राइटर एक क्वेश्चन करता है कि ठीक है आप एफबीआर पे कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगी, अच्छा परफॉर्म भी करना शुरू कर देती है, बट वट अबाउट द प्रोटेक्टेड क्लास, उनके बारे में क्या ख्याल है। जब एफ बी आर इन लोगों के ऊपर टैक्स लगाएगा, ठीक है ना, तो ये टैक्स के खिलाफ फिर बोलेंगे, तो क्या गवर्नमेंट फिर किस तरह से रिएक्ट करेगी, मतलब क्या क्या वाकई ही गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेगी या फिर चुप कर जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो पुअर क्लास है वही टैक्स देती है, जो अलीट क्लास है वो टैक्स नहीं देती, वो टैक्स भी नहीं देती, ऊपर से सब्सिडीज ले लेती है, ठीक है। वो मैं पहले भी कई लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बहरहाल यहाँ पर जो सैलरीड क्लास है, तनख्वाह पेशा लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि वो क्यों पे करें, क्यों वो ही क्यों टैक्स पे करें, जो अमीर लोग हैं वो टैक्स क्यों नहीं पे करते। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कुछ एम्बिग्यूटी बिल्कुल नहीं है, ये है एक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। पिछले कई सालों में अगर हम देखा जाए तो जो सैलरीड क्लास है वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, आपके जो रिटेलर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे 200% जो है मोर टैक्स उन्होंने दिया था फिस्कल ईयर 2023 में। और ये हालात है, यानी कि जो बिजनेसमैन क्लास है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, असल काम तो होता है कि वो टैक्स दें, लेकिन वो टैक्स देते नहीं है। टैक्स कौन यहां पर देता है, यहां पर जो सैलरीड क्लास है। अब क्यों देता है, क्योंकि एफबीआर के लिए ये आसान है कि एक तनख्वाह वाले बंदे को, खास तौर पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, उसकी सैलरी में से पैसे काट लेना आराम से। ये डेट मोर सूटेबल है इनके लिए, ना कि ये सूटेबल हो कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके ऊपर हाथ डालना। तो लिहाजा एफबीआर ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। और यहाँ पर सैलरीड कर्सन बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ पर मेरे जहन में भी ये चीज आ रही है कि जब अगर आपको बीमार हो गया कोई, तो उसको हॉस्पिटल जब लेकर जाया जाता है, और अगर आपने अच्छी फैसिलिटीज लेनी है हॉस्पिटल्स की, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सरकारी हॉस्पिटल में आपको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती। इसी तरीके से अगर एजुकेशन की बात की जाए, तो अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है, तो फिर आप प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं, पब्लिक स्कूल के अंदर वो भी नहीं है। तो जब कोई भी अच्छी फैसिलिटी पब्लिक सेक्टर के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, देन फॉर वट, टैक्स फॉर वट, टैक्स किस चीज का है, ठीक है। तो ये वाकई ही एक क्वेश्चन मार्क बिल्कुल बनता है। बहरहाल इसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, फाइनल कंक्लूड करते हैं। इकोनॉमी को हमने देखा, हमारा मेन टॉपिक था इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंदर अगर हम जाएंगे, तो यहां पर हमने डिस्कस किया एफ पी आर।
अब पेपर में आपने किस तरह से लिखना है, पेपर पर्सपेक्टिव में देख लें। आप पेपर पर्सपेक्टिव के अंदर जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात होगी तो आप लोग ये एक पॉइंट जो है लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक के ऊपर लिख के रख लें, इकोनॉमी के नीचे FBR रिफॉर्म्स। ठीक है, बिल्कुल ये दो लफ्ज लिख लें, आपके जहन में स्केच बिल्कुल आ जाएगा क्या रिफॉर्म्स का क्या मुराद है। FBR रिफॉर्म्स लिख लें, आगे डॉट लगा के करप्शन लिख लें, बस इतना दो तीन लफ्ज लिख लें, दैट्स इनफ। तो ये दो तीन लफ्ज का मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं देन व्हाट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको FBR के अंदर रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। और FBR के अंदर रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर करप्शन कम हो जाए। और इसके अंदर करप्शन कम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें से कुछ तरीके ये हैं कि आप इसको डिजिटलाइज कर दें, ठीक है ना, ई गवर्नेंस की तरफ आप लोग चले जाएं, ई गवर्नेंस की तरफ, ठीक हो गया। एक काम आप ये कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग करप्ट हैं उनको आप क्या दें, सजा दें, पेनल्टी उनको आप लोग सजा दें, मेरिट के ऊपर लोगों को लेकर आए। तो यहां पर फिर आप का जो FBR है वो अच्छे से काम करेगा, आपकी टैक्स कलेक्शन जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर जब आप लोग बजट बनाएंगे तो बजट जो जो डेफिशिट है वो कम हो जाएगा, यानी कि बजट के अंदर जो वो डेफिशिट हम बोलते हैं ना खसारा, वो कम हो जाएगा। ठीक हो गया, वो कैसे काम हो जाएगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। 100 रुपए का आपने बजट बढ़ाया, FBR ने कहा मेरे से तो 60 रुपए इकट्ठे हुए हैं बस, 40 रुपए मेरे आप कहाँ से लेंगे, 40 रुपए पर गवर्नमेंट उधार लेगी। तो जब FBR ही 100 रुपए इकट्ठे करके ले आएगा तो इसका मतलब है आपको उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, इतनी छोटी डिबेट नहीं है, ये बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन आपके पेपर के लिए ये एक पॉइंट दैट्स इनफ है। आप इसको पेपर पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं, अगर आपने इकोनॉमी को बेहतर करना है तो FBR के अंदर रिफॉर्म्स करें, FBR के अंदर से करप्शन को खत्म करें, इसको ई गवर्नेंस की तरफ लेके डिजिटलाइज करें इसको, तो उससे क्या होगा, आपकी जो है एक जो बजट है उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक हो गया। अगर आप हर्डल्स की तरफ चले जाएं तो आप इकोनॉमी के बारे में जब लिखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो FBR को मेंशन कर सकते हैं कि FBR जो है इसके अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो बेहतर नहीं हो पा रहा, तो इसके अंदर आप लोग ये एज ए हर्डल भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप लोग इसको अपने पेपर के अंदर ये चीजें जो है इनको पुटअप कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि क्या हम लोग इसको टॉपिक वाइज अरेंज कर दें आपके लिए, कि जैसे ये टॉपिक है तो इसकी एक प्लेलिस्ट बन दी जाएगी इकोनॉमी की, तो इसके अंदर सारे जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के वो इसके अंदर डाल देंगे। तो जब भी आपको इकोनॉमी समझ नहीं है तो आप वो एक प्लेलिस्ट सुन लें तो आपको सारी इकोनॉमी समझ आ जाए। इसी तरीके से एजुकेशन, हेल्थ, जो मुख्तलिफ जो मेन मेन आपके टॉपिक्स हैं जहाँ जो कि आपके करंट अफेयर के होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के होते हैं, एसए के होते हैं, तो वो उनकी हम अलग-अलग से सबकी प्लेलिस्टें बना दें। डाटा इधर से उठाया जाएगा बट उनको हम लोग ऑर्गेनाइज इस तरीके से कर देंगे कि अगर एक बच्चा एजुकेशन का जो सिस्टम या वुमेन राइट्स को पढ़ना चाह रहा है तो वो वुमेन राइट्स की प्लेलिस्ट खोल ले और उसको वुमेन राइट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर। तो ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है ताकि फिर हम इस चीज़ को आगे स्पीड अप करें और जो चीज़ें रह चुकी हैं उनको भी हम इसी तरीके से आगे ऑर्गेनाइज करते जाएं ताकि आपके लिए और आसानी पैदा होती जाए। सो थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।